श्री संकट मोचन बालाजी ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम शोभा यात्रा में 21 कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा के दौरान सभी महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। मंदिर में देवी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर के मुख्य पुजारी वासुदेव भट्ट द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ हवन यज्ञ का आयोजन कराया गया, जिसमें भक्तों ने मंत्रों के साथ हवन में आहुति देकर धर्म लाभ कमाया। इसी बीच भक्तों ने मंदिर ट्रस्ट की ओर से माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी एवं भैरव बाबा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें सभी शिवपुरी वासियों का विशेष सहयोग रहा। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ कमाया। मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य रूप से प्रमोद कुमार कपूर, डॉक्टर IS सचदेवा, प्रदीप मित्तल, दीपक अग्रवाल, आकाश गुप्ता, अनुराग अग्रवाल, राजू शर्मा, उमाकांत गुप्ता, मुकुल राजपूत, राकेश वर्मा, सुशील अरोड़ा, उमेश शर्मा, प्रदीप अग्रवाल आदि भक्तगण मौजूद रहे। जी भाई, क्या नाम आपका? दीपक कुमार अग्रवाल। दीपक जी, क्या कार्यक्रम हुआ, किस मंदिर में हुआ है? आज माता रानी की असीम कृपा से हमारे शिवपुरी संकट मोचन बालाजी मंदिर में माता रानी का पूरा दरबार स्थापित हुआ है, जिनमें माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और साथ में भैरव बाबा तीनों चारों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है। वैष्णो देवी माँ खुद ही यहाँ एक तरीके से वैष्णो देवी माँ आ गई, क्योंकि वैष्णो देवी में यही दरबार है, उसी से पेड़ धोके चारों का ये दरबार आया है। ये लगभग हमारा 100 साल पुराना मंदिर है और जो भी यहाँ पे मान्यता है कि जो भी मन्नतें मानता है उसकी वो पूरी हुई। 100 साल पुराना एक हमारा मंदिर था, उसमें पहले हनुमान जी 100 साल पुराने हैं, इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा इनका परिवार बढ़ता गया, फिर राम परिवार आया, फिर राधा कृष्ण का परिवार आया, अब देवी जी की कृपा से देवी जी का भी पूरा परिवार स्थापित हो गया। इस तरह से मंदिर करीब पूरी हुई।